बाज औरतें शादी के बाद गले में लच्छा लच्छा डाल लेती और काली पोत का लच्छा डाल लेती, सास डाल डालती, ये निशानी। पाँव में छिल्ला, छिल्लास नहीं बोलते उस उसे, नहीं जी, पाँव के रिंग में, पाँव में अंगले में जोड़वे, हाँ हमारे कर्नाटक में छिल्ला की चुल्ला बोलती हूँ उसे, छल्ला की छुल्ला। वो पाँव के पास चांदी की रिंग पाँव की अंगलिया में जुड़वे, वो नीचे पाँव में गले में काला लच्छा, शादी की निशानी। ये हमें बना लिए सो इस्लाम में नहीं है, ये काला लच्छा कहाँ से आया मालूम तुम ना? इसकी एक हिस्ट्री है। एक हिंदुओं की देवी है कालम्मा देवी, महाकाली, काली रहती, उन्हें मुंह में जीप है छोड़ ले को खड़े रहती, उसका नाम महाकाली कालम्मा देवी। वो कालम्मा की शादी खुलगे से करती, खुलगे से, भैंस का मरद खुलगा, खुलगे से कालम्मा की शादी करती। जब भी कालम्मा की शादी करती गले में काले पोता डालती। वो देखो हिंदुआ शुरू करे हमें भी शादी कर ले तो काले पोत का लच्छा डाल लेना। वो देखा देखी चुल्ला भूखी हमारे मुसलमाना में भी आ गया, क्या आ गया तो शादी कर ले काला लच्छा। नहीं है इस्लाम में, नहीं है ना नबी अपनी बीवियों को डाले, ना सहाबियात डालिए, ना इस्लाम में इसके डालने का कोई रिवाज है। ये हिंदुओं का तरीका है, पाँव में जुड़वे, पवा के अंगलिया में और ये गले में। पाँव के जुड़वे के ताल्लुक से हिंदुओं का क्या भी नहीं, गले के लच्छे के ताल्लुक से हिंदुओं का ये काला काली पोत है। तुम्हें गले में डाल लो, हार डाल लो, जेवर डाल लो, लाल पोत डाल लो, गोल्ड कलर की पोतान डाल लो, लेकिन काली पोत डालने से परहेज करो। ये हिंदुओं का सेवा है, हिंदुओं का रिवाज। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेंगे उन्हीं में से होगा। मैं समझता हूँ इसे नहीं पहनना चाहिए। हाजा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।